बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा है बाबा धाम के लिए, इसीलिए तो फ्लाइट निकला हुआ है। फिर कभी जरूर सफर करेंगे इंडिगो की फ्लाइट। फिर मैं छुट्टी लेना है मौसी। अरे 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 बम जी क्या कर रहे हैं महाराज जी। जय हो महाकाल। यहाँ रहना भी फ्री है और यहाँ खाना भी फ्री है। जय भोलेनाथ। जय हो बाहुबली अमरेंद्र बाहुबली। जय हो बाबा वासुकीनाथ जी। जय हो बाबा वासुकीनाथ। कुर्सी की बेटी बांधे रखी। काल हरा, कष्ट हरा, दुख हरा, दरिद्र हरा, हरा हरा महादेव। जय भोलेनाथ। फिलहाल मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पटना से, और आज हम जाएंगे बाबा नगरी देवघर। सफ़र करेंगे आज ट्रेन में नहीं, प्लेन में, और अकेले नहीं है, मेरे साथ मेरी मौसी भी है। आज मैं अपने मौसी के सपनों का साकार करूँगा इनको आज हवाई यात्रा करवा कर। मौसी हाय बोल। हाय। चल ठीक है, बाकी आपको पता ही है पटना से देवघर के बीच भी इंडिगो फ्लाइट चलती है जिसका कि किराया लगभग 1744 रुपये है, और आप मात्र 1 घंटे में पटना से पहुँच जाइएगा देवघर। चलिए शुरू करते हैं सफ़र को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा महाराज। चलते हैं। चल मौसी तोरा करावे छो आज पहली हवाई यात्रा। फिलहाल हम आ चुके हैं पटना के हवाई अड्डे के अंदर। आते ही हम दोनों का सिक्योरिटी चेक भी हो चुका है, और आते ही हम दोनों को ये बोर्डिंग पास भी दिया गया है जिसमें हमारा सीट नंबर दिया हुआ है। हमारा इंडिगो फ्लाइट है, फ्लाइट नंबर 6C7N45। और मौसी की पहली हवाई यात्रा है इसलिए रिक्वेस्ट करने पर मौसी को विंडो सीट भी दिया गया है। मौसी थोड़ा मिलो खिड़की वाला सीट। लगता है ना डर कौन चाहिए लगते हैं। दो बोर्डिंग पास दिए गए हैं, एक मौसी का और एक मेरा, एक गणेश कुमार एक कौशल्या देवी। वैसे मुझे देखिए काफ़ी प्राउड फील हो रहा है, मैं मौसी को हवाई यात्रा करवाकर मौसी के सपनों को साकार कर रहा हूँ। उनका जो बेटा है वो केवल अपने वाइफ के सपनों को साकार करता है। ये मेरी पहली हवाई यात्रा नहीं है, इससे पहले भी हम हवाई यात्रा कर चुके हैं। उस पहले हम अपने मामा जी के सपनों को साकार किए थे, इस बार मौसी का नंबर है। हमारी फ्लाइट सुबह 12:35 में यहाँ चलेगी और दोपहर 1:35 में हम पहुँच जाएंगे देवघर। यानी पूरा पूरी हमारा 1 घंटे का सफ़र है, और सफ़र शुरू होने से 3 घंटे पहले हम पटना एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। बाकी यहाँ देखिए, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ने के शौकीन हैं तो यहाँ दैनिक भास्कर, प्रभात खबर, बहुत सारे न्यूज़पेपर यहाँ रखे हुए हैं। बाकी ट्रेन की बात करूँ तो पटना से जसीडी राजधानी एक्सप्रेस लेती है 3 घंटे 20 मिनट, और उसका फर्स्ट क्लास का किराया है लगभग 1600 रुपये, और इस फ्लाइट का किराया है लगभग कम से कम 1800 रुपये, और ये टाइमिंग लेती है 1 घंटे। यहाँ तो 2-3 घंटे पहले भी आना पड़ता है, तो टाइमिंग देखिए राजधानी की तुलना में लगभग सेम ही है, कोई खास समय नहीं बचने वाला है। वहाँ की हवाई चप्पल वाले भी अब हवाई यात्रा कर रहे हैं। मेरा 100 रुपये का चप्पल है, मौसी का 50 रुपये वाला है। आपको पता ही है उड़े देश के आम नागरिक योजना यानी उड़ान स्कीम के तहत अब हवाई यात्रा को सस्ती कर दी गई है, लगभग 2500 रुपये प्रति घंटे कर दी गई है, ताकि हवाई चप्पल वाले यात्री भी हवाई यात्रा कर सके। इसे फिलहाल हम लोग अभी कर रहे हैं। 110। अच्छा मौसी का चप्पल 110 का है। श्रीमती शालिनी शंकर श्रीमान, कार्तिकी शंकर श्रीमान, जनापाला रेड्डी प्रताप को दी जाती है इंडिगो की विमान संख्या 6E4-3-2 से हैदराबाद तक की यात्रा कर रहे हैं। आपसे अनुरोध है द्वारक संख्या 1 से विमान की तरफ शीघ्र प्रस्थान करें, यह विमान की उड़ान की आखिरी एवं अंतिम सूचना है, धन्यवाद। यहाँ देखिए हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अच्छी तरह से सूचना दी जाती है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको एयरपोर्ट में नहीं होने वाली है। भैया आपका नाम क्या हुआ? शुभम कुमार। शुभम भाई हैं, हाजीपुर से हैं, और यहाँ जा कहाँ रहे हैं? दिल्ली। दिल्ली जा रहे हैं भैया। भैया का भी इंडिगो फ्लाइट है ना, वो 12:30 बजे का फ्लाइट इनका भी है, 12:30 बजे का फ्लाइट मेरा भी है, तो काफ़ी अच्छा लगा मिलके। स्टेशन के अलावा भी रनऑन ट्रैक के फैमिली, एयरपोर्ट भी मिल जाते हैं। क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पर जहाँ फिलहाल हम बैठे हुए हैं, यहाँ सिगरेट पीने वालों के लिए अलग से एक सिगरेट पीने वाला रूम भी बना हुआ है, लेकिन 18 साल से कम उम्र के व्यक्तियों को अलाउ नहीं किया जाता है। और अगर आप सिगरेट लेकर नहीं आए हैं तो यहाँ सिगरेट भी मिलता है 20 रुपये पीस। भैया महाराज यही है पटना से देवघर जाने वाली इंडिगो फ्लाइट, फ्लाइट नंबर 6C7945। इसी फ्लाइट से हम और मौसी जाएंगे पटना से देवघर। मौसी कुछ ऐसा दिखता है पटना से देवघर जाने वाली फ्लाइट 7945। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा है बाबा धाम के लिए, इसीलिए तो फ्लाइट निकला हुआ है ना? आप लोग आराम से, काफी सस्ती फ्लाइट है। चलिए ठीक है, बाय बाय, आपकी यात्रा शुभ। धन्यवाद आपको। चलते हैं फ्लाइट के अंदर, दिखाते हैं आपको कैसा दिखता है अंदर से ये पटना से देवघर जाने वाली फ्लाइट। कल मौसी तुरा करियो आए हवाई यात्रा, ये इंडिया का लोगो भी दिया हुआ है। तो भैया महाराज अंदर से कुछ ऐसा दिखता है पटना से देवघर जाने वाली इंडिगो फ्लाइट 6E7945। तो चुका मौसी विंडो, साइडिंग वाला विंडो खोल। अरे वाह भाई देख ले यहाँ से नज़ारा। अच्छा ये वाली जो इंडिगो फ्लाइट है ये छोटी फ्लाइट है, इसलिए इसका सीट अरेंजमेंट जो है वो 2x2 रेशियो में है। बाकी मौसी जब से विंडो सीट पर बैठी है तब से मौसी बाहर ही देख रही है। कैसा लग रहा है थोड़ा हवाई जहाज में बैठ के? बढ़िया बढ़िया। चलिए पैसा वसूल हो गया क्योंकि मौसी को अच्छा लग रहा है। आधा घंटा में पहुँच गए देवघर। हाँ आधे घंटे में, टाइमिंग दिया गया 1 घंटा, लेकिन आधा घंटा काफ़ी है इसको पटना से देवघर पहुँचने के लिए। यहाँ भी सब चला देंगे, इसमें हवा लगेगा।
उड़ान के दौरान कुर्सी की पेटी बांधे रखें। इस विमान में 4 आपातकालीन द्वार हैं, 2 सामने और 2 पीछे। ध्यान रहे कि निकटतम द्वार आपके पीछे भी हो सकता है। आपात स्थिति में फर्श पर लगे एस्केप पाथ मार्किंग सिस्टम की सहायता से आप निकटतम द्वार तक पहुंच सकते हैं। एक सुरक्षा अनुदेश पत्र और इन्फॉर्मेशन गाइड ब्रेल में भी उपलब्ध है। सरकारी नियमों के अनुसार सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग फ्लाइट मोड में ही करें। बिना फ्लाइट मोड के उपकरणों को उड़ान के दौरान बंद रखें। इलेक्ट्रॉनिक मनोरंजन उपकरणों का इस्तेमाल टेक ऑफ के बाद कर सकते हैं। दोस्तों, आप मेरी मौसी जो है लगभग आधे घंटे या पौने घंटे या एक घंटे तक बादलों से बात करेगी। कर भी ना बादलों से बात। तो फिलहाल मैं आ चुका हूँ इस इंडिगो फ्लाइट के वॉशरूम में और देख लीजिए कितना छोटा सा एरिया में वॉशरूम बनाया गया है। बहुत ही छोटे से एरिया में वॉशरूम बनाया गया है, काफ़ी कंजेस्टेड है। तो वॉशरूम देख लीजिए, वॉशरूम वेस्टर्न स्टाइल है। यहाँ बेसिन दिया गया है हाथ में धोने के लिए, यहाँ टिश्यू पेपर भी दिया हुआ है और यहाँ देखिए फ्लश भी दिया हुआ है, सब कुछ है। और सबसे अच्छी बात है कि बहुत ही छोटे से एरिया में इस बाथरूम को बनाया गया है। कंफर्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो देखिए हमारी ट्रेन जो है वो लाख गुना अच्छी है फ्लाइट की तुलना में। लेकिन अगर जल्दी जाना है, इमरजेंसी है, तब तो फ्लाइट ही सबसे अच्छा ऑप्शन है। बाकी मेरी मौसी को देख लीजिए, सूर्य लिखी गए बाहर, देख बाहर बादल देख ना। इस्तेमाल की हुई वस्तुओं को सीट पॉकेट या विमान के किसी अन्य भाग में ना छोड़ें। इन्हें केवल अराइवल के वेस्ट बिन में ही डालें। सीट बेल्ट साइन ऑन होने पर कुर्सी की पेटी बांध लें, ट्रे टेबल बंद कर लें और विंडो शेड्स खुले रखें। कृपया शौचालय का प्रयोग ना करें और सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बंद या फ्लाइट मोड में रखें। आप अपने कीमती सुझाव हमारे SMS द्वारा भेजे हुए लिंक पर। इस बार मौसी को घुमाए हैं पटना से देवघर, अगला बार मौसी जो अलग जब वो पटना से दिल्ली, फिर दिल्ली से चेन्नई, फिर चेन्नई से कलकत्ता, कलकत्ता से फिर पटना। आपसे निवेदन है कि द्वार खुलने के बाद कृपया विंडो शेड्स बंद कर दें और एयर वेंट्स खोल दें। आप अपनी सीट पॉकेट ठीक से देख लें ताकि आपका कोई सामान जैसे कि ईयरफोन या चश्मे विमान में ना रह जाए। तो देवघर हम पहुँचने वाले हैं और अब जाके मौसी को डर लग रहा है। तो 1:35 का टाइम था और 1:10 पर हम पहुंच चुके हैं बाबा नगरी देवघर। बाकी आप बहुत सारे लोग उतर रहे हैं, कर्मश उतर आप। सफर खत्म हो रहा है, सफर कंप्लीट हो चुका है। चलो उठ, अब अपनी ये हवाई यात्रा अब समाप्त हो चुकी है। आमोसी आपका भी गुड डे। तो यह समाप्त हो चुकी है हमारी पटना से देवघर की ये इंडिगो की हवाई यात्रा। जर्नी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा सर्विस देता है ये इंडिगो। बाकी मौसी तरह कैसे लग लो? बढ़िया लग ले मौसी के। फिर कभी जरूर सफर करेंगे इंडिगो की फ्लाइट में। बाकी ये रहा अपना देवघर एयरपोर्ट, देख लीजिए कुछ ऐसा दिखता है अपना देवघर एयरपोर्ट। अच्छा, ये देवघर एयरपोर्ट देवघर शहर से काफ़ी दूर है। यहाँ से बाबा धाम बैद्यनाथ धाम मंदिर की दूरी है लगभग 12 किलोमीटर। देखते हैं ऑटो वगैरह करना होगा कि सफर अभी समाप्त नहीं हुआ है। देवघर हवाई अड्डा सब जाएंगे सीधा मंदिर और आपको मंदिर का दर्शन भी कराएंगे। कि बाबा नगरी देवघर एयरपोर्ट आप देख लीजिए कितना शानदार लग रहा है। वहाँ देखिए बैद्यनाथ धाम मंदिर का भी फोटो लगाया गया है। एयरपोर्ट छोटा है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है और काफ़ी नीट एंड क्लीन है, कितना खूबसूरत लग रहा है। जय हो बाबा बैद्यनाथ धाम, जय हो बाबा बैद्यनाथ धाम। तो ये वाली टोटो है जिसे में हम लोग बैठ के जाएंगे बाबा बैद्यनाथ धाम। जय हो भैया महाराज। छोड़िए हम लोगों को, जल्दी बाबा का दर्शन करना है महाराज जी। भैया महाराज फाइनली हम पहुंच चुके हैं शिव गंगा और देते हैं भैया को किराया और निकलते हैं हम लोग शिव गंगा की ओर। ये बोलबम, जय बाबा बैद्यनाथ धाम। भगवा साड़ी है, भगवा साड़ी डीजे मेरा मौसी को भगवा साड़ी। भैया महाराज मौसी को एक भगवा साड़ी भी खरीदा दिए। मौसी तोरा पर बहुत खर्चा हो गलो, हमारा जमीन खरीदे घड़ी देवे ना पैसा। हाँ तब ठीक है, तब तो और खर्चा करेंगे मौसी के लिए। बोलबम, यहाँ देख लीजिए देवघर का फेमस पेड़ा खोवा लगा हुआ है। आज फाइनली हम पहुँच चुके हैं शिव गंगा। मौसी नहा जल्दी, नया साड़ी पहन। तो शिव गंगा में नहाते हैं और नहाने के बाद पहुँचते हैं सीधा बाबा के धाम, बाबा बैद्यनाथ धाम के धाम। यहाँ शिव गंगा में देखिए अपने अजीत भाई मिले हैं। बोलबम, अपने एंटीक अजीत यूट्यूब चैनल के अजीत भाई, इन्होंने सुल्तानगंज से देवघर पूरा पैदल यात्रा की है। भाई के चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। नहा लिए हैं और चलते हैं बाबा बैद्यनाथ धाम के द्वार पे। बोलबम,
बाजीत बम। महाराज भीड़ देख लीजिए श्रद्धालुओं की, बाबा बैद्यनाथ धाम के भक्तों की आप भीड़ देख सकते हैं। सामने में दिगंबर नाथ बाबा मंदिर भी है। भीड़ में छुट्टी है ना गे मौसी, खर्चा करे तुरा पटना से देवघर लेके लियो। बोलबम मौसी बम बोलबम। सभी मंदिर में जाने वाली लाइन है। हम लोग फिलहाल जा रहे हैं मंदिर के बाहर दर्शन करके चले जाएंगे वासुकीनाथ। हम जाएंगे नीचे नीचे मंदिर के बाहर दर्शन करके चले जाएंगे। इस बम जी को सबसे पहले लाइन दीजिए। अरे 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 अरे, अरे बम जी क्या कर रहे हैं महाराज जी, सबसे पहले का महाराज देखिए आ गया है। दर्शन कर लीजिए बाबा बैद्यनाथ धाम, महाकाल जी का दर्शन कर लीजिए। वहाँ डिस्प्ले पर भी मंदिर के अंदर का सीन दिखाया जा रहा है। बैद्यनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में एक महान ज्योतिर्लिंग, जय हो। वहाँ देख लीजिए वो भाई साहब कितने परिश्रम से ध्वजा बांध रहे हैं। कोशिश करते हैं अंदर जाकर दर्शन करने का। चलिए बम, बढ़िया बम, दर्शन करने का मौका दीजिए बम जी। जय हो महाकाल, जय हो महाराज। बहुत खर्चा करके तुरा ले लियो पटना से देवघर बाबा नगरिया। है बाबा धाम बैद्यनाथ धाम, और ये मेरे हाथ में है गंगा जल, नहीं है वहाँ से पानी लिए हैं। यहाँ देख लीजिए नन्हे से बच्चे का मुंडन भी हो रहा है बाबा के धाम में, और इसका हो चुका है मुंडन। पूजा पाठ के लिए भैया दोनों हाथ दोनों काम कर तो बाहर से दर्शन कर लिए बाबा बैद्यनाथ धाम जी का, क्योंकि अंदर भाई बहुत भीड़ है। भीड़ तो आप देख सकते हैं, अंदर जाने के लिए कम से कम 6 से 8 घंटे का टाइम देना होगा। अब हम चलते हैं यहाँ से सीधा वासुकीनाथ, क्योंकि वासुकीनाथ के दर्शन किए बिना ये सफर अधूरा है। जय हो बाबा बैद्यनाथ धाम, हरा हरा महादेव। समय शाम के 6 बज चुके हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं अब देवघर से वासुकीनाथ, और जा रहे हैं फिलहाल वासुकीनाथ मंदिर की ओर। बाकी रास्ते को देख सकते हैं कितना खूबसूरती सजाया गया है, और ये है टेंट बना हुआ है सभी कांवरियों के ठहरने के लिए। देख सकते हैं यहाँ रहना भी फ्री है और यहाँ खाना भी फ्री है। बोलिए जय महाकाल बोलबम। वासुकीनाथ में भी भक्तों की भीड़ कम नहीं है भैया, यहाँ भीड़ देख लीजिए आप, यहाँ भी देवघर वाला हाल है। हर चीज मिल रहा है, और आप यहाँ चावल पे अपनी गर्लफ्रेंड का भी नाम लिखवा सकते हैं। महाराज फिलहाल हम पहुँच चुके हैं वासुकीनाथ का शिव गंगा, और हम लोग जा रहे हैं फिलहाल गंगा में डुबकी लगाने के लिए। यहाँ भी अच्छा खासा भीड़ है भक्तों का, लोग यहाँ भी नहा धोकर वासुकीनाथ बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। भैया डुबकी मार ली और चले अब बाबा वासुकीनाथ के दर्शन के लिए। जय हो महाराज, जय हो मौसी, जय हो बाबा वासुकीनाथ, जय भोलेनाथ। हम लोगों ने जल ले लिया है, एक मौसी ने, एक मैंने, और एक अजीत का है। अब वासुकीनाथ बाबा के द्वार में हरा हरा महादेव। जय हो भैया बोलबम 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 बोलबम, दौड़िए बम बोलबम, दौड़िए बम, चीटिंग कीजिए बम। जय हो बाहुबली, अमरेंद्र बाहुबली, ये अमरेंद्र बाहुबली है, भोले बाबा इसे कल्याण करे। कह रो रहा है बम जी, इनकी माता कहाँ है, इनकी माता कहाँ है, देख लीजिए अमरेंद्र बाहुबली को। अरे लड़िए मत, लड़िए मत, अरे बम जी लड़िए मत। हम आ चुके हैं वासुकीनाथ मंदिर के अंदर, और अब बस कुछ ही समय में हम बाबा के दर्शन कर लेंगे। सिस्टम एक तरह से सही है ताकि भीड़ भाड़ में धक्का मुक्की ना हो। धक्का मुक्की को रोकने के लिए बहुत सारे हथकंडे यहाँ के प्रशासन ने अपनाए हैं भैया। तो भैया दर्शन कर लीजिए बाबा वासुकीनाथ की, आपके सामने है बाबा वासुकीनाथ जी का मंदिर।
जय हो बाबा वासुकीनाथ जी, जय हो बाबा वासुकीनाथ जी, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। तो यह फाइनली दर्शन हो गए बाबा वासुकीनाथ जी के। जय हो मैया पार्वती की, जय हो मैया पार्वती। तो बाबा वासुकीनाथ के भी दर्शन हो गए और मैया पार्वती के भी दर्शन हो गए, और दर्शन करने में थोड़ा सा कष्ट हुआ लेकिन मजा आ गया। दर्शन कर लीजिए भैया महाराज बाबा वासुकीनाथ जी का, और सुरक्षा कर्मी आप देख सकते हैं, बहुत सारे सुरक्षा कर्मी यहाँ तैनात हैं। रघुपति राघव राजा राम झूलन मंदिर पति पावन सीताराम। यहीं पर खत्म करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा महाराज। बाकी ये तो एक ट्रेलर था, असली मजा तब आएगा जब हम सुल्तानगंज से देवघर कांवड़ यात्रा करेंगे, वो भी पैदल। बोल बम और जय हिंद।